कुमार श्रीवास्तव आप सबका नव चेतना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज अपन देश के ऐसे सपूत के बारे में बात करेंगे जिसका योगदान किसी के भी योगदान से भारत निर्माण में कम नहीं रहा। आज अपन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 में तमिलनाडु में हुआ था और जब ये 10 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद इन्होंने अपने ही पैरों पे खड़े होके अपना ही पैसा कमा के इन्होंने अपनी विद्या प्राप्त की, एजुकेशन प्राप्त की। इन्होंने 1944 में केरल से बीएससी पास की और 1947 में ये कृषि में स्नातक हो गए। उसके बाद इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और यूपीएससी में ये आईपीएस बन गए, मगर इन्होंने आईपीएस ज्वाइन नहीं किए क्योंकि इनका जो स्वभाव था या जो इनका भविष्य था कहीं और तय हो चुका था। 1952 में ये कैम्ब्रिज गए और इन्होंने आलू के ऊपर शोध किया और वहां से ये डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन हो गए, उनको वहां से पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई। दोस्तों, अपना जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, इसके बावजूद भी अपने यहाँ हजारों आदमी भूख से मरता है। अपन कृषि के ऊपर निर्भर रहते हैं मगर कृषि कभी पानी पड़ गया, कभी ज्यादा पानी गिर गया, कभी सूखा हो गया, कभी ओलावृष्टि हो गई, इससे जो देश का नुकसान होता था इससे अपन कभी भी उभर नहीं पाए। मगर डॉक्टर स्वामीनाथन का एक ऐसा काम था कि उन्होंने इस देश को आत्मनिर्भर नहीं बनाया, अपना देश से अपन आज निर्यात भी कर रहे हैं। ये इनका योगदान जो है, इस भारत माँ के सपूत का जो योगदान है, ये कभी भूला नहीं जा सकता और जब तक हिंदुस्तान रहेगा इनका योगदान याद रखा जाएगा। 1966 में ये जब पीएचडी लेके वापस आए तो 1966 में इन्होंने मेक्सिको के एक गेहूं के बीज से पंजाब की एक घरेलू बीज से एक ऐसा बीज तैयार कराया जो अपने हिंदुस्तान के जलवायु पे और पे बिल्कुल खरा उतरता था और उससे अपन आत्मनिर्भर बन गए। आज अपन गेहूं अपने देश में इतना होता है कि अपन गेहूं अपन जो बचता है वो अपन उसको निर्यात भी करते हैं। नगर 1966 के पहले तक अमेरिका से गेहूं आता था, लाल गेहूं आता था। लाल गेहूं वो होता था जो वहाँ पे वो जानवरों को खिलाया करते थे, मगर वो अपनी मजबूरी थी, अपन लोग बुलाते थे और अपन लोगों को वो खाना पड़ता था। इस उपलब्धि के कारण उनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वो एक जेनेटिक्स वैज्ञानिक थे और उन्होंने इस पर कई शोध किए। उनका जो योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता इस हिंदुस्तान में। उसके बाद वो जब हिंदुस्तान आए तो उनको कई पुरस्कार मिले। 1967 में उन्हें पद्मश्री मिला, 1972 में इन्हें पद्म विभूषण मिला और 1979 में इन्हें पद्म विभूषण मिला। इतने पुरस्कार पाने के बाद इसका जो पैसा मिला उनको, उससे 1952 में उन्होंने एक चेन्नई में एक शोध संस्थान बनाया जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, कृषि विकास और औद्योगिक विकास था और ग्रामीणों का विकास था, रोजगार पैदा करने का था। वो संस्थान की मान्यता अंतर्राष्ट्रीय हो गई और उसको अंतर्राष्ट्रीय मानकों में खरा उतारा गया और वहां से उनको अंतर्राष्ट्रीय उसकी मान्यता उनको प्राप्त हो गई। वहां से उन्होंने कई वैज्ञानिकों को इस हिंदुस्तान में तैयार किया और इन लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में जाके काम किया। इनका यह योगदान भी भूला नहीं जा सकता। इनके योगदान के कारण इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी ने, चाइना ने, इटली ने, मेक्सिको ने, बांग्लादेश ने इन्हें अपने शोध संस्थानों में जगह दी और इन्हें वहां का सदस्य बनाया और यहाँ उन्होंने उन सब देशों के लिए भी काम किया जो कि सराहनीय काम है हिंदुस्तानी के लिए। 1979 से 1983 तक ये योजना आयोग के सदस्य रहे और इन्होंने अपने विचार, अपने सलाह पूरे देश के लिए दी जो हमेशा काम आई।
1983 से 1988 तक ये मनीला में चेयरमैन रहे कृषि संस्थान में। यहाँ भी उन्होंने बहुत काम किया और हिंदुस्तान का वो तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, उसमें बाहर से भी लोग आते हैं, उन्होंने पर हिंदुस्तान में इनका हमेशा नाम ऊंचा किया। टाइम्स एक पत्रिका है, टाइम्स पत्रिका ने इनके लिए लिखा कि ये एशिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इनकी हर जगह तारीफ हुई। दुर्भाग्य से इनका सर्वनाश हो गया, तब इनकी उम्र 95 साल की थी। एक हिंदुस्तान का उदयमान सितारा, एक ऐसा सितारा जिसने हिंदुस्तान के निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, जिसने भारत को आत्मनिर्भर बनाया, हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो गया। दोस्तों, अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर मेरी कोई गलती हो तो मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।